गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल शीतलीज गुड लाइफ। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइमिंग हो रहा है आफ्टरनून के 12 बज रहे हैं अभी, और बस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। मेड का वेट कर रही हूँ, बस सुनीता का ही वेट कर रही हूँ। मैंने कहा सुनीता आती है तो काम वाम करती है, तभी मैं किचन में लगूँगी, क्योंकि किचन में मैं तभी लगती हूँ जब बर्तन वर्तन साफ हो जाता है, तब पूरी क्लीन हो जाती नहीं किचन, तभी मेरा काम करने का मन नहीं करता। तो वंश खेल रहे हैं, वंश बड़ा खुश है, उसके हेयर कट चुके हैं तो वो बड़ा खुश है। बड़ा परेशान रहता था गर्मी की वजह से, बस सर को ऐसे कुछ ज़्यादा रहता था, लेकिन अब ठीक है वो अब एकदम ठीक है। तो वही उसका तो रोज का काम है, आपको तो पता ही है, खेल रहे हैं, आवाज़ भी अभी भी आपको। तो बस मेरा तो काम नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन है वो सुनीता करेगी, और फिर मेरा खाना का रह जाएगा तो फिर मैं खाना बनाऊँगी, तो फिर मैं फ्री हूँ। फिर मेरे को कुछ और काम नहीं है, और कान्हा जी को भी मैं दे चुकी हूँ, उनको भी मैंने दे दिया है, बस खाना बनाऊँगी तब मैं उनको दूँगी। बस ये वंश सोना ये सोना, बस इसने वही किया हुआ बर्तन सारे निकाले हैं। और आज का जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा ना आज ख़राब है, काला मौसम हो रहा है, मुझे लग रहा है सिर्फ बारिश आएगी और हवा तो इतनी तेज़ चल रही है, तो मौसम अच्छा हो गया, गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो अब वो तो है ही, अब आगे तो ठंड आएगी, अब तो मौसम चेंज हो ही रहा है, तो सुबह शाम की तो ठंड हो ही चुकी है, क्योंकि मॉर्निंग में भी ठंड लगती है और शाम को भी मौसम एकदम ठंडा सा हो जाता है। तो अब ज़रूरत नहीं है, अगर मतलब अब नॉर्मल पंखा भी चलता है ना तो अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे छोटे से बेबी को, वंश ये बाबू, अरे मेरी छोटी बेबी, ये देखो इसके हेयर कट चुके हैं तो बस ये भी रिलैक्स फील करता है। अरे रे 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 रे, हाँ निकालो उसमें से अपने टॉय, निकालो निकालिए टॉय, नहीं निकालना है सोना, निकालो खेलो आप, बस ये तो खेल में है। अरे अरे फेंकते क्यों वालो, मम्मा निकालेगी, ऐसे थोड़ी होता है, आराम से निकालो सोना, अभी आपने रिमोट नहीं निकाला ना, आराम से गाड़ी भी निकालो, आराम से निकल जाएगी आप पे। चलो मम्मा निकाल के देखते हैं, पकड़ो डब्बा, पकड़ो पकड़ी डब्बा, ये लीजिए, चलाइए। ये देखो कितना काला मौसम हो रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए। और मैंने कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो बाहर कपड़े तो बस उसी को उतारने वाली, क्योंकि पता नहीं ना बारिश हो जाए कब हो जाए, तो बस कपड़े ही उतार लेती हूँ। बहुत काला मौसम हो रहा है। Oh, oh, oh.
एक बज चुका है और बारिश बहुत तेज हो रही है, मतलब आंधी भी आने साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मेरे को लगता है शायद सुनीता नहीं आएगी क्योंकि एक बज चुका है, मैं कब तक वेट करूँ, मेरे बंच के लिए खाना भी बनाना है ना, तो आज मुझे करना पड़ेगा। तो उसमें झाड़ू पोछा और बर्तन दोनों करने वाली हूँ, आज करती हूँ। नहीं तो जल्दी जल्दी एक तो बज ही गया, अब क्या वेट करूँ उसका। वैसे तो वो बोल रही थी मैं आऊँगी, लेकिन आऊँगी क्या, बारिश इतनी तेज हो रही, कब तक उसका वेट करूँगी, कब तक हो सकता है। उसका 2 बजे, 2:30, 3 भी बज सकता है, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकती क्योंकि लंच के लिए मुझे खाने बनाना है। तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ, बर्तन साफ भी, झाड़ू पोछा भी मैं खुद ही कर लेती हूँ, यही करना पड़ेगा। आ गई सुनीता जस्ट अभी, अभी 1:30 बज गया है। कैंसिल झाड़ू पोछा हो गया, लेकिन वो पूरी भीग चुकी है। तो फिर मैंने उसको अपनी गाउन दी है अभी पहनने के लिए, मैंने कहा गाउन पहनो क्योंकि एक्चुअली मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो मैंने दी क्योंकि गीले कपड़ों में जैसा काम करें। अब उसको एक सूट देना पड़ेगा, वो घर भी जाना है ना, उसके गीले कपड़े भी कैसे जाएंगे। देखती हूँ कोई पुराना सूट है तो मैं नहीं पहनती, तो वही सूट देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन अभी इसको काम करना है, काम करने का भी तो काम दिया गाँव में, काम कर लिया। बेटा आजो, ये बॉटल ले रहा होगा, इधर आ जाओ अंशी, आ तो बारिश बड़ी तेज हो रही, मुझे तो डर भी लग रहा था। अच्छा इवनिंग हो चुकी है, 6 बज चुके हैं शाम के, तो मैं लेट हो रही थी, तो आज तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। फिर मेड आई ना भीगते भीगते, वो आई थी 1:30 बजे, उसके जाने के बाद 2 बजे गई यहाँ से काम खत्म करके। उसके जाने के बाद फिर मैंने वंश के लिए खाना बनाया, फिर इसको खिलाया वंश को, तो वही टाइम हो गया, फिर इसको सुलाया, तो फिर इसके सपना भी थोड़ा थोड़ा मैंने भी रेस्ट किया, तो फिर मैं भी सो गई थी। जी बेटा मैं भी थोड़ा सा, अभी ये मैंने कपड़े उतारे थे ना आपके लिए, तो मैं इसको अब तैयार कर रही हूँ, ये जो मेरे को टाइम मिला नहीं था इसको वॉश कर, उसके कपड़े तैयार कर बेटा जी। आज ही थोड़ा लेट भी सोया है, आज ही सोया 4 बजे, वंश मैं इसको सुला रही, सो ही नहीं रहा है, फिर 4 बजे करीब ही सोया। आपको फोन भी कहाँ देता है मेरे को फोन, जैसे ही मैं ब्लॉग बनाने वाली थी तो बस इसको फोन चाहिए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट किया, फिर मैंने कहा चलो फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँ, फिर इसको जबरदस्ती इसको दूध पिलाया, फिर इसको सुलाया, तब जाके सोया। अच्छी किया आपने, अच्छी किया। अब मेरा कौन,
कपड़े तैयार करके खाना बनाऊंगी। बस आज किया कि सब्जी बनाऊंगी, ये पंच भी वही खा लेगा, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी, तो बस वही बना। बारिश इतनी तेज हुई थी ना, तो मेरे को डर लग गया था। इतनी बारिश, एकदम पता काला मौसम हो गया था है ना, और इतनी बारिश और इतनी तेज आंधी तूफान, मतलब एक साथ ही चल रहे थे सब, तो मेरे को तो बड़ा डर लग रहा था कि मैं बहुत डरती हूँ। एक तो मैं अकेली, ऊपर से सारी बारिश ना ऐसे आ रही थी क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी, सारी अंदर बालकनी में आ गई थी बारिश, तो पूरी बालकनी मतलब अकेली हो गई थी, पानी भर गया था बालकनी में, अंदर ही बारिश आ रही थी। मतलब मैं घिया बना रही हूँ, पंचमी वही खाएगा, घिया के साथ चावल ही बनाऊंगी, पंचमी खाएगा मैं भी खाऊंगी। Thank you.
थोड़ी बहुत नमकीन खाई इसने खुद ही, और जब तक मैं खिला रही थी इसने खाई। आ जाओ हम आपको ही बता, इसने क्या किया देखेगा, इसने सारी नमकीन गिरा दी, देख रहे ये सारी नमकीन गिरा दी, ऐसे खाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसको ना मैं हाथ से खिलाऊ, ये ऐसे करता है। पापा तो गाइस खाना बस बनने वाला है, चावल मैं लगा चुकी हूँ, तो बस खाना रेडी है और टाइमिंग मुझे लगा 8 बज रहा होगा, आई थिंक यही टाइमिंग हो रहा होगा, तो मैंने टाइमिंग देखा नहीं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? तो गाइस मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, आज का वीडियो? आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप ऐसे ही प्यार देते रहे मुझे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मुझे। और वंश देखो बिल्कुल चेंज लग रहा है, इसके हेयर नहीं है तो है ना, ये भी कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहे पता नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ जी पापा, तो बस मेरा भी खाना रेडी है, बस चावल में लगाने सब्जी की ऑलमोस्ट रेडी है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुड नाइट गाइस, बाय।